हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका शेयर प्राइस जो है मात्र 2.7 पे शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बताएंगे कि यहाँ पर निवेश करना है या नहीं करना है, कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो है वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक पेनी स्टॉक है, कंपनी का प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल जो जानेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कैश फ्लोस जो है यहाँ पर कंपनी किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिस तरह से ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो, जो वैल्यूएशन के थ्रू भी यहाँ पर जो है हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से जो है किस तरह का ट्रेंड जो है यहाँ पर हमें फॉलो होते देखने को मिला कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर, और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन जो है यहाँ पर हमें किस तरह से ग्रो होते हुए देखने मिल रही है या फिर जो है डिक्रीज होते हुए देखने मिल रही है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में बताऊँ तो जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जिस तरह से यहाँ पर आपको नाम पता चल गया, इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर ऑपरेशंस एज वेल एज मेंटेनेंस होता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर प्लांट्स हो गए, कोई भी एयरपोर्ट्स हो गया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है डेवलपमेंट रिलेटेड काम होता है उसके अंदर जो है ये कंपनी जो है कारोबार करती है, और वहाँ से जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, माने कि एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर एयरपोर्ट्स रिलेटेड हो गया, तो वहाँ से जो इस कंपनी की टॉप लाइन एज बॉटम लाइन जो है यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलती है। तो ये तो हमने आपको बता दें कि कंपनी क्या काम करती है, हम यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आते हैं कंपनी के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर 426 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और यहाँ पर सबसे नेगेटिव बात क्या है कि कंपनी का डेट जो है कंपनी का वो ऑलमोस्ट 25 टाइम्स से भी ज़्यादा जो है कंपनी का यहाँ पर में डेट देखने को मिल रहा है कंपेयर टू करंट मार्केट कैप। तो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव, और काफ़ी ज़्यादा जो है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये जो है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 2.7 पर, और यहाँ पर ऑल टाइम लो प्राइस के आसपास ट्रेड, 2.57 का लो प्राइस, 6 रुपये का हाई प्राइस है यहाँ पर, तो ऑल टाइम लो प्राइस के आसपास ही जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू भी अगर यहाँ पर देखें तो -25.1 की यहाँ पर कंपनी बुक वैल्यू है, रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी देखने का कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज डेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर फोकस करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 2019-20-21 के अंदर यहाँ पर कंपनी का कोई भी धंधा नहीं है, बट 2022 के अंदर 3,830 करोड़ का धंधा, और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो 2,650 का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो चीज़ है वो कितनी सच है अगर हम उसके ऊपर फोकस करना चाहें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 2021 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी इनकम है वो यहाँ पर हमें अदर इनकम के थ्रू जो है आते हुए देखने को मिली है। तो ये जो चीज़ है उसका कोई मतलब भी नहीं होता है कि यहाँ पर कंपनी जो है जिससे धंधा कर रही है उसके थ्रू जो है कंपनी को बिजनेस मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो धंधा है वो भी अदर इनकम के थ्रू ही यहाँ पर हमें जो है ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी के सेल्स और एक्सपेंस को माइनस करते तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो नेगेटिव चीज़ वो है कि यहाँ पर कंपनी का जो है डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो 10,000 करोड़ के ऊपर ऑलमोस्ट हम यहाँ पर देखते हैं, जो 1,000 करोड़ से ज़्यादा का है यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट ही जो है यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसको सस्टेन करना, इसको अच्छी तरीके से सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर देखें तो 96 करोड़ के प्रॉफिट, सितंबर 2022 के अंदर 154 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट, बट यहाँ पर एक ही क्वार्टर माने कि जून 2022 के अंदर यहाँ पर कंपनी ने 400 करोड़ का घाटा कर लिया है। तो ओवरऑल बेसिस के हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पर कंपनी ने लॉस बेसिस पर ही यहाँ पर हमें जो है कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इफ वी सी, प्रमोटर होल्डिंग मेजोरिटी स्टडीज 54.25%, FII 0.28%, DII सिर्फ नाम के 0.52%, और गवर्नमेंट का निल, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर जो है 44.94 की जो है देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ है वो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रही है। जो इस कंपनी में पहले से निवेशित है उन लोगों को यहाँ पर ये जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए, कंपनी के पास जो है जिस तरह से धंधा हो रहा है कंपनी बॉटम लाइन जो है उससे ग्रो यहाँ पर हमें जो है देखने को नहीं मिल रही है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव अगर यहाँ पर डेट की बात करूँ तो डेट के अंदर भी यहाँ पर हमें जो है थोड़ा बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर जो है कंपनी के रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स के अंदर जो है कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखें कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी -535 करोड़ रुपीज़, उसके अंदर अभी 671 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने रिपे किया है, और इंटरेस्ट जो है कंपनी ने सिर्फ 156 करोड़ का ही पे किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है वो भी मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और इतने बड़े आंकड़े जो है
अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी काफ़ी सारा जो है नेगेटिव यहाँ पर जो है फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर 343 करोड़ रुपीज़, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंदर यहाँ पर कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट जो है 134 करोड़ रुपीज़ के जो है परचेज किए हैं, और फिक्स एसेट्स भी यहाँ पर कंपनी ने -11 की अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो है सेल होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है काफ़ी ज़रा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है इस कंपनी के अंदर। 5 साल का हाई प्राइस यहाँ पर 27 का, और यहाँ पर करेंटली ट्रेड कर रहा है 2.7 पर। माने कि अगर यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से 10 गुने से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें जो है टूटते हुए देखते हुए मिल चुका है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर हमें जो है निवेश करना चाहिए या नहीं। सो माई सिंपल आंसर इज क्वाइट सिंपल कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देख रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मल्टीबैगर बन जाएगा। तो आई वॉन्ट थिंक यहाँ पर हमें जो है एक अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बिकॉज करंटली कंपनी जो बॉटम लाइन है उसके अंदर भी जो है ग्रोथ चांसेस है वो काफी ज्यादा जो है कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द कंपनीज बिगेस्ट डेट जो है यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। कंपनी का धंधा डेफिनेटली हो रहा है, बट यहाँ पर ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई वॉन्ट थिंक यहाँ पर हमें जो है सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है जीवी की पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के अंदर। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी जो शेयर यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।